मध्य प्रदेश नदी न्यास आयोग के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा आज हरदा पहुंचे। सर्किट हाउस में कंप्यूटर बाबा ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर जिले में नर्मदा नदी के किनारों पर वृक्षारोपण करने और नर्मदा में प्रदूषण पर रोक लगाने पर चर्चा की। इस अवसर पर मीडिया से हुई चर्चा में बाबा ने मध्य प्रदेश की पूर्व शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह कमलनाथ सड़क है, शिवराज सरकार नहीं। पूर्व सरकार में उनके रिश्तेदारों और पहचान वालों ने नर्मदा का सीना छलनी किया। मध्य प्रदेश में अगर उन्हें सबसे ज्यादा वैध खनन दिखा तो वह थी बुधनी विधानसभा, जो कि शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। हरदा पहुंचे मप्र नदी न्यास आयोग के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने स्थानीय सर्किट हाउस में पौधारोपण किया और सभी से वृक्ष लगाने की अपील भी की, जबकि इस मौके पर जिले के कलेक्टर एस विश्वनाथन सहित सभी अधिकारियों से मुलाकात की गई। मीडिया से हुई चर्चा में कंप्यूटर बाबा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा है कि नर्मदा कलकल बहे और अगर नर्मदा को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नर्मदा में स्वच्छ जल बहे, उसका सीना छलनी नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की जो रेत नीति बनी है उसके अनुसार रेत खनन हो। अगर कोई अवैध रेत निकालेगा, नर्मदा नदी में मशीन चलाता है तो वह चोर कहलाएगा। वह ये समझ ले कि यह बीजेपी का राज नहीं बल्कि यह कमलनाथ का राज है। अवैध खनन बंद नहीं होने पर उन्होंने कहा कि अभी सरकार को बड़े 9.5 महीने हुए हैं और इस बीच में लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि नर्मदा नदी से एक भी टोकरी रेत चोरी नहीं होने देंगे, दोनों तट पर पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश में पूर्व शिवराज सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाए थे लेकिन 700 पौधे भी जीवित नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री कमलनाथ को आवेदन देकर जांच की मांग की गई है और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की हो, साथ ही जिन्होंने भी कागज पर पौधे लगाए हैं उन पर कार्रवाई हो और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। नहीं, अब देखिएगा, यदि विधायक उठा रहे हैं तो हम उनकी बात को ही मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम उस बात को नहीं मानेंगे, परंतु सवाल यह है कि हमें टाइम तो मिले। अब यहाँ विधायक जी हैं, उनसे भी पूछा जाए कि उनके ही मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे जब उस समय विधायक नहीं थे, तो वो भी बताएं, आज विधायक हैं वो भी बताएं कितना खनन हुआ है, इतना अपार खनन हुआ है इनके ज़माने में। और उसी के कारण मुझे भी जो मंत्री पद था मैंने भी ठुकरा दिया था, इसीलिए ठुकराया था कि मुझे ऐसे मंत्री नहीं बनना है, ऐसी सरकार में नहीं रहना है जिसमें अवैध खनन हो, इसको रोका ना जाए, नर्मदा मैया का नुकसान हो। हम लोग मीडिया बंधुओं से भी हमारा अनुरोध है कि आप आधी रात में 2 बजे रात में मुझे फ़ोन करेंगे, मैं उपस्थित होऊंगा। अब ये जमाना शिवराज का नहीं है, कमलनाथ का है। कमलनाथ के ज़माने में कोई भी अवैध काम नहीं होंगे, चाहे वो किसी कोई यदि करने वाला होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर सजा होगी। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे आप? राम मंदिर के लिए तो बेहद खुश है, पूरा संत समाज बेहद खुश है। सब चाहते हैं कि, और मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है। हम तो आतिशबाजी सब तैयार रखे हैं और मुझे लगता है कि दीपावली जो हमने बड़ी दीपावली बड़े रूप से हम लोग मनाएंगे होगा। नर्मदा स्वच्छ साफ रहेगी और वृक्षारोपण के लिए भी संदेश दिया है कि सभी लोग, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि वृक्ष दोनों तरफ लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। विधानसभा चुनाव में आपके साथ रहे संत मुरारी बापू, आपकी खिलाफत कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। अच्छा काम करो तो पीछे कोई बोलने वाला रहता है तो उससे काम और अच्छा होगा। धन्यवाद। झाबुआ चुनाव चल रहे हैं, सवाल है झाबुआ चुनाव में आप प्रचार के लिए नहीं गए क्या? नहीं, अब मुझे देखिए, इतने एक चुनाव है हमारे यहाँ, कमलनाथ सरकार में 5-7 ही मंत्री काफ़ी हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए जो है उनकी हम लोग को जरूरत पर, हम लोग तो ऐसा है कि जब बड़ा स्तर होगा तब तो हम लोग पहुँचेंगे। अभी हम लोग को पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का, नर्मदा बचाने को, नर्मदा में अवैध खनन रोकना है, ये सब हम लोग का काम है। नर्मदा कैसे कलकल में है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। उसी के तहत आज आपके ज़िले में, यहाँ हरदा ज़िले में आए हुए हैं। मुझे यहाँ जिला कलेक्टर महोदय से एवं पूरे संबंधित अधिकारियों के साथ मैंने बैठक ली, एक पौधा लगाया और हम कलेक्टर महोदय और संबंधित अधिकारी के साथ एक पौधा लगाया और सबसे हमने निवेदन किया पूरे ज़िले के भक्तों से, एक पौधा अपने परिवार से लगाएं और उसे 5 साल तक रक्षा करें और अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद। अभी गंजाल और मोरन नदी में बांध बन रहा है, कुछ आदिवासी ने बताया है, इसकी जानकारी मैं बारीकी से लूँगा और माननीय मुख्यमंत्री के पास इसकी बात रखूंगी, क्योंकि यदि वो बांध बना है तो निश्चित उसका पुनर्वास के लिए तो कोई व्यवस्था की होगी, यदि नहीं की गई है तो मैं बात। इसकी DPR में 4 लाख सागौन के पेड़ तैयार है जिन्हें काटा जाएगा, नहीं उसके लिए अब वो वन विभाग है, संबंधित कलेक्टर है, अधिकारी है, उसके बारे में हम पेड़ पौधों पे ज़्यादा नहीं बारीकी में। नर्मदा किनारे अवैध शराब बिक रही है उसको लेकर वो नहीं होने देंगे, यदि कहीं हो रही है तो मुझे बताइएगा, यहाँ पे हो रही है कहीं? बिल्कुल हो रही है। यदि हो रही तो मैं बारीकी से अभी मैं बात करता हूँ, अभी कलेक्टर को मैं इस बात पर मैंने तो बात नहीं की, पर अभी तुरंत बात करता हूँ कि यदि अवैध शराब
नर्मदा किनारे हैं तो उसको तत्काल बाहर किया जाए। धन्यवाद। और छिपरा के लिए और साथ में मंदाकिनी के लिए जो तीनों हम लोग को दिया है और सहायक नदियाँ जितनी भी हैं हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार किया है। अभी नर्मदा को स्वच्छ साफ करने के लिए अभी हम लोगों ने सभी जिलों में जैसे हमने देखा कि मूर्तियाँ विसर्जन कर रहे हैं तो उसके लिए सभी जिलों में अभी भी हमारी आपके हरदा जिला कलेक्टर से भी बात हुई कि एक विसर्जन कुंड बनाया जाए नर्मदा किनारे स्थायी रूप से बनाया जाए कि जब भी कोई गणेश जी हों दुर्गा जी हों या कोई भी देवी देवता हों तो उनको विसर्जन करने के लिए तो विसर्जन कुंड में ही किया जाए और जिससे नुकसान न हो हानि ना हो नर्मदा स्वच्छ साफ बनी रहे उसका ये ध्यान रखें तो वो हम लोग निर्देश किए हैं और कलेक्टर महोदय ने भी तुरंत निर्देश कर दिए हैं कि तुरंत फॉलो किया जाए। जी बाबा जो शिवराज सिंह सरकार ने पिछली नर्मदा के जो किनारे काफी वर्ष लगाए हैं जो करोड़ों की तादाद में थे जो आज एक भी जीवित नहीं है देखिए नहीं उसके लिए अभी हमारी मीटिंग में भी बात हुई कि हम ऐसे पौधे ना लगाएं जैसे शिवराज सरकार में 7 करोड़ पौधे लगाए थे और 700 पौधे भी नहीं बचे और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कमलनाथ जी से वो पत्र भी मैंने दिया है कि माननीय महोदय जी इसकी जाँच कराई जाए और SIT का गठन किया जाए तब जाँच हो तब इनको समझ में आए कि जिन्होंने घोटाला किया है भ्रष्टाचार किया है वो सब फंसे वो सलाखों के पीछे। और अभी मेरी कलेक्टर के सामने उद्यान विभाग है खनिज विभाग है सब लोगों ने हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जब किसी पार्टी का हो और कोई भी अधिकारी भी हो हम अधिकारी को नहीं बख्शेंगे यदि कोई संलिप्त। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।